हमारा देश आ चुका है, पूरी तरीके से कोरोना फैल चुका है पूरे देश में, बिहार में। अब इस स्थिति में कैसे सरकार चाह रही है एग्जाम लेना? अगर सरकार एग्जाम लेगा, एक छात्र को कोरोना हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? एक छात्र को फैलेगा तो पूरे एग्जामिनेशन सेंटर में फैल जाएगा। तो ये छात्र जो हैं, ये किसी भी राज्य और देश के भविष्य होते हैं, प्रयोगशाला नहीं होते हैं। तो सरकार से मेरा स्पष्ट मांग है कि आप सारे नियम जब बदल सकते हैं कोरोना काल में, तो छात्रों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान में आप कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? साथ ही साथ कोरोना काल में सारे तरह का माफी हो रहा है, तो फिर छात्रों से फीस क्यों लिया जा रहा है? छात्रों का हॉस्टल किराया क्यों लिया जा रहा है? मेरा स्पष्ट मांग यही है सरकार से कि छात्रों की 6 महीना की फीस माफ हो और साथ ही साथ अगले क्लास में प्रमोट किया जाए बिना एग्जाम के। तो आपको ये बहस के आगे बिन्नी बजाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पहले हम एक दिवसीय उपवास कर चुके हैं, सारे यूनिवर्सिटी के कुलपति को मेल कर चुके हैं, फैक्स कर चुके हैं, राज्यपाल महोदय से आग्रह कर चुके हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो मेरा ये एक बिहार में प्रचलित भी है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पर गुड़ाई। तो सरकार भैंस का रूप धारण कर चुकी है, इसके आगे कितना भी बीन बजा रहे हैं कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि छात्र को प्रयोगशाला समझने की भूल ना करें। छात्र बिहार के भविष्य हैं और आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे अगर आप तुरंत छात्र हित में फैसला नहीं लीजिएगा। तो अगर आपकी जो आज की मांग है वो पूरी नहीं होती है तो फिर आगे की क्या? जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है? वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, किसकी हिम्मत है जो कुचले छात्रों के जुनून को, देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को, बदलेगा सब जो जो धारणा बनाई है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश को आजाद करवाने की लड़ाई जो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने लड़ी अहिंसात्मक तरीके से, जो एनएसयू संगठन पूरे देश के अंदर जिस मुद्दे को लेकर, जिस विद्यार्थियों की मांग को लेकर संघर्षरत है, इस दिन के अवसर पर पूरे देश के अंदर संगठन ने यह आह्वान किया कि इस लड़ाई को भी हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना है। जो हमारे विरोधी है, जो तानाशाही कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों के प्रति अपनी विद्यार्थी विरोधी जो भावना दर्शाने वाले लोग हैं, उनके प्रति भी मन के अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं रखते हुए हम लोगों को शालीनता के साथ उनके प्रति प्रेम रखते हुए इस लड़ाई को आगे लड़ना है। यही संदेश आज 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम सब लोगों को लेकर जाना है। गांधी जी ने जो देश को आजाद करवाने की जो लड़ाई थी, जो बहुत बड़ी लड़ाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के अंदर उन्होंने संकल्प लिया कि देश के लोगों को जागरूक करने का काम करना है, देश के लोगों को जोड़ते हुए इस लड़ाई को बड़ा रूप देने का काम करना है। लेकिन अपने विरोधी के प्रति हम लोगों को मन के अंदर किसी भी प्रकार का गुस्सा, आक्रोश या ईर्ष्या नहीं रखनी है। यही संदेश हम सब लोगों को यहाँ से लेकर जाना है। जो विद्यार्थियों के प्रति एक बहुत बड़ी विडंबना कह सकते हैं देश की सरकार की,
वर्तमान समय के अंदर देश के अंदर 55,000 से ज्यादा प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं, उसके बावजूद देश की सरकार ना तो कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर संवेदनशील है, ना विद्यार्थियों के जीवन और उनके भविष्य को लेकर संवेदनशील है। इसलिए हम सब लोग ये संकल्प लेकर जाएं कि गांधी जी के इस 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर जो उन्होंने एक शुरुआत की थी भारत छोड़ो आंदोलन की, हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक तरीके से इस लड़ाई को लड़े, ये हम सब लोग संकल्प लेकर जाएं। यही गांधी जी के बताई असल पचिनों पर चलने का। जिस तरीके दे नाल तुसी सारे जानते हो कि पूरे विश्व दे विच करोना दी महामारी चल रही है, उदे तहत असी धन्नवाद करना चाहांगे साडे मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा, जिन्हां ने साडे सारे विद्यार्थियों बारे, पंजाब दे विद्यार्थियों बारे सोचिया ते उन्हां सारे विद्यार्थियों नूं विदाउट एग्जाम प्रमोट कीता। ते नाल ही नाल कड़ा विरोध करना चाहांगे मोदी सरकार दा ते UGC दा, जिन्हां ने फतवा जारी कीता है कि विद्यार्थियों नूं एग्जाम देने ही पैणगे, उन्हां नूं एग्जामीनेशन हॉल च जाना ही पएगा। ते इन्हां चीज़ां दा विरोध करदे होए असी कुछ सवाल मोदी जी तो पूछना चाहांगे, HRD मिनिस्टर को पूछना चाहांगे, UGC दे चेयरमैन तो पूछना चाहांगे। असी पूछना चाहांगे कि जदों एग्जामीनेशन हॉल खुलणगे ते उदों की तुसी उन्हां हॉल्स दे विच खुद जाके बैठना पसंद करोगे, उन्हां कॉमन वॉशरूम नूं तुसी यूज़ करना पसंद करोगे, कि उसे थावां ते तुसी पानी पीओगे जिथे ये लखां विद्यार्थी आके पानी पीणगे, उन्हां जगह दे विच की तुसी इस चीज़ का ये वादा कर सकते हो कि कोई भी विद्यार्थी बीमार नहीं होएगा। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है भी विद्यार्थियों दियाँ जीवन शैलियों के नाल ना खेडो, उन्होंने सुरक्षित रहन दो, वो साडा आने वाले भविख ने। ते नाल ही नाल मंग करनी चाहूँगा भी साडे विद्यार्थियों के जेडे सेमेस्टर फीस है, साडे विद्यार्थियों के मापे जेडे ने वो पिछले कुछ महीनों तो 6-7 महीनों तो एक फाइनैशियल क्राइसिस तो जूझ रहे हैं, तो उन्होंने ये फीस की माफ़ी दी जाए। तो असी नाल ही मंग करना चाहेंगे मोदी सरकार को कि इस फीस को खत्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।